सो हे गाइज, वेलकम टू अवर न्यू फैमिली मारियोस गेमर। तो भाई लोग, इस चैनल पे हमारी ये फर्स्ट गेम प्ले वीडियो होने वाली है, और फर्स्ट गेम प्ले वीडियो पर हम जो गेम खेलने वाले हैं उस गेम का नाम है पोस्ट माउस। अब गाइज, पोस्ट माउस के बारे में बताने से पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि इस वीडियो के बीच में 2 सेकंड के लिए कहीं पर भी एक रिडीम कोड आ जाएगा, जो भी बंदा रिडीम कर लेता है वो हैशटैग मारियोस गेमर डालना मत भूलना। अब गाइज, पोस्ट माउस में बेसिकली होता क्या है थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ताकि आगे गेम देखने में मजा आए। इस गेम पर हमारा जो कैरेक्टर है वो एक चूहे का कैरेक्टर है। अब गाइज, चूहा जो है बहुत ज्यादा सैड और उदास बैठे रहता है, क्योंकि भाई इसके पास कुछ काम भी नहीं होता, ठीक है। और अचानक से इसको एक जॉब का ऑफर मिलता है, यानी कि एक नौकरी मिलती है, और वो नौकरी होती है पोस्टमैन की, यानी कि लोगों को लेटर पहुंचाना। और भाई एक नाम हम लोग को मिलेगा, और उस नाम के बंदे या फिर जो भी होगा उसको पूरे जंगल पे हम लोग को ढूंढना है और उसको लेटर पहुंचाना है। तो भाई बहुत ज्यादा बीच में दिक्कत होगी, एडवेंचरस देखने को मिलेगा, और भाई इतना छोटा सा चूहा कितना ढूंढेगा पूरे जंगल पे, ठीक है। और बीच में बहुत ज्यादा जानवर भी मिल सकते हैं, बहुत कुछ होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहां पर गेम की शुरुआत हो चुकी है, और गेम की शुरुआत होते ही भाई इतना बड़ा सा मेरे को मेंढक देखने को मिल रहा होगा, पता नहीं गाइस चूहे से इतना बड़ा क्यों है, ठीक है। और यही लेटर दिखा रहा है कि इस लेटर को हमको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, इसी लेटर को हमको पहुंचाना है। और यहां पे बातचीत थोड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर बातचीत हो रहा है, ओ बट बॉस आई हैव नेवर गॉन दैट फार आउट बिफोर, आई नेवर गॉट एनी ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पर भाई मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और इससे पहले मैंने ये काम भी नहीं किया, ऐसे बोल रहा है। और यहाँ पे द रिसिपिएंट यू आर लुकिंग फॉर गोस बाय द नेम ऑफ पब्लो। ओके भाई, पब्लो नाम का जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो होगा नहीं क्योंकि भाई जानवर ही होगा जंगल पे, ठीक है, और उसी तरफ ये इशारे कर रहा है, यानी कि भाई उस तरफ आपको पब्लो मिल जाएगा, पब्लो नाम का जो भी है उसको हम लोग को लेटर पहुँचाना है। ओके, तो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और हमको जो है लेटर पहुँचाना है। भाई इससे पहले लेटर पहुंचाऊं, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यहां पर गाइस थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूं ये क्या है, ठीक है। यहां पर गेम स्टार्ट नहीं हुआ कि यहां पर लड़की हमको देखने को मिल चुकी है। अब भाई लड़की से बात करना नहीं है हमको, भाई काम पे फोकस करना है, और भाई हमको काम के पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर काम को फोकस करेंगे, बट कोशिश करते हैं कि यहां पर जाना कहां है ये हमको ट्राई करना है, सबसे पहले ये हमको खोजना है, ठीक है। बट गाइस बात कर लेते हैं, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट बताए ये लड़की भी, ठीक है। यहां पर बात कर लेते हैं, ई टू टॉक, ओह या पोस्ट माउस वेयर यू हिडिंग। ओके, यहाँ पे मर्ट है इसका नाम गाइज, इस लड़की का नाम जो है मर्ट है, और ये बता रहे हैं मतलब कि गाइज जो जो बॉस ने बोला हमको वो हमको हम जो है इससे बातें कर रहे हैं कि हमको बॉस ये लेटर दिया है, हमको पब्लो के पास पहुँचाना है इस लेटर को। ओके, ये सब बातें तो बाद में होते रहेगी, हम लोग चलते हैं पब्लो को ढूंढने। तो चलो गाइज, हमको जो है पब्लो को ढूंढना है, कहाँ होगा पब्लो ये सब दिखाऊंगा। लेकिन गाइज इससे पहले गाइज और एक चीज़ मैंने नोटिस करा, लड़की के पास मैं जब खड़ा होता हूँ तो भाई लड़की मेरे से बड़ी है, यहाँ पे भाई हाइट में बड़ी है, ये कैसे हो सकता है। मेरे को कॉम्प्लेन की जरूरत है भाई, पता नहीं भाई एज भी इतना हो चुका है कि कॉम्प्लेन भी काम नहीं करेगा, पर ट्राई करते हैं। हम लोग को पब्लो ढूंढना है भाई, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भाई पब्लो को लेटर पहुंचाना है, और उससे हम लोग को पैसे मिलेंगे, मतलब कि भाई उसके लिए पैसे मिलेंगे, ठीक है। भाई इसके लिए रास्ता ढूंढना है सबसे पहले। अब गाइस मेरे को लग रहा है कि सामने जो रास्ता दिख रहा है ना, इस टाइप से जैसे हम लोग को डंडे टाइप का, उसी टाइप से हम लोग को हो सकता है कि उसी जगह पे हम लोग जा सकें, ठीक है। ट्राई करते हैं, चढ़ के देखते हैं। भाई इतने बड़े बड़े मशरूम दिख रहे हैं भाई, ये मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ गेम्स में होते हैं कि मशरूम पे हम लोग जंप कर सकते हैं, बट इससे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इससे हम लोग ईजिली ऐसे जा सकते हैं, पूरा जंगल ही है एरिया। अब गाइस इससे हमको जंप करना है, अरे हाँ यार, होल्ड शिफ्ट टू स्प्रिंट, यानी कि गाइस स्प्रिंट को हम लोग को स्प्रिंट वाले बटन को होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद ये जंप करेगा। ओके, अब समझ गए, अब हम लोग जंप कर लेंगे, फटाफट से चलते हैं। अब भाई आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो देखते हैं क्या होता है आगे, हमको क्या देखने मिला। मासूम सा चेहरा है भाई हमारा, ठीक है, पूरे जंगल पे हम लोग को घूमना है और पब्लो को ढूंढना है हमको, ठीक है। तो चलो जंप करते हैं, बट अरे यार भाई गाइस यहाँ पर पाँव फिसल गया भाई, बताओ ये चूहा का भी पाँव फिसल रहा है तो हमारा कैसे नहीं फिसल सकता, हम तो ऐसे भी इंसान है, ठीक है। चलो हम लोग अभी जंप करके देखेंगे, ठीक है, जंप कर ही लेंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो, इजीली जंप कर सकते थे, बट गाइस 2 बार मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं गाइस, फर्स्ट टाइम गेम प्ले है भाई, आगे और भी अच्छा गेम प्ले होने वाला है। और यहाँ पर भाई पूरे रास्ता तो दिख ही रहे हैं हमको, देखो मशरूम ही मशरूम भाई, इतने बड़े बड़े मशरूम की क्या बताऊँ, 3 लोग ऐसे ही सो जाएंगे, बेड की भी जरूरत नहीं होगी। वाह क्या सीन है भाई, यहाँ पर भाई पानी की आवाज़, अच्छा हाँ यार नदी है भाई, तभी मैं सोचूं पानी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर गाइस एक नदी देखने को मिल रहा होगा हमको, अब यहाँ पे तैरना है क्या भाई, ये तो रियलिटी में अगर बात हो तो यहाँ पे चूहा कभी पानी पे तैरता नहीं है, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। ऑल टू इंस्ट्रक्ट, ये क्या है, वो क्लिक करते हैं इसको, ये वही बोल रहा है भाई, पब्लो को हम लोग को देना है, ठीक है, वो लेटर, ये सब भाई हमको पता है पहले। अरे बाप रे, सामने ज़रा देखो भाई, क्रिएचर यानी कि भाई बहुत बड़ा कछुआ, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्या बताऊँ, अरे ये हवा में उड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये हवा में उड़ रहा है भाई, ये कुछ जादुई मंत्र वाला है। अरे सिर भी नहीं दिख रहा है, बताओ अब थोड़ा, हाँ अब दिखा गाइस, इतना बड़ा है कि अगर मांसाहारी होता तो ईजिली हमको निगल जाता, बट गाइस ये शाकाहारी है,
अगर मांसाहारी होता, हाँ समुद्र में होते हैं भाई जब बड़े बड़े, वहाँ पर मांसाहारी कछुए भी मिल जाते हैं, बट ये शायद नहीं है, शायद ये पब्लू हो सकता है, क्या पता, इससे भी बात करके देखेंगे। बट इससे पहले कि हम जाएँ कहाँ, ये हमको देखना है भाई। सामने ना एक मेरे को घर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर सामने एक घर दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि उस घर पर जाना है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं, क्या पता यही पब्लो हो। बट गाइज इतनी जल्दी तो पब्लो मिल ही नहीं सकता, ठीक है, इतनी जल्दी पब्लो मिल ही नहीं सकता। हम लोग ट्राई करते हैं, बात करके देखते हैं, सच में अगर पब्लो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, हम लोग आगे खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आई हैव अ पीपी पोस्ट, मतलब कि आपके लिए एक लेटर है, मैं बोल रहा हूँ कछुए से, ठीक है। अब कछुआ बोल रहा है यू आर अ मिस्टेकन, यानी कि भाई तुमने गलती करा है, मैं वो नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलने का चाह रहा है वो, और इसका नाम है टोटाइज, ओके। यहाँ पर भाई हंस भी रहा है कि भाई मैं नहीं हूँ, मतलब ये जो है पब्लू, पब्लो नहीं है, ठीक है, हमको पब्लो के लिए और ढूंढना पड़ेगा। फॉर माई कज़िन पब्लो लेटर फॉर, ओके, इसका जो दोस्त है वो जो है ये पब्लो है, ठीक है, इसी टाइप का दिखेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई पब्लो भी इसी टाइप का दिखेगा, मतलब कि कछुआ ही होगा वो भी, ठीक है। अब ट्राई करते हैं और एक बंदे को ढूंढने की, यानी कि भाई इसी तरीके का बंदा, ठीक है। बट गाइस हम लोग को यहाँ से जाने के लिए हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले उस घर पे हम लोग को जाना है। ये एक घर हो गया और एक सामने एक घर है, ठीक है। बट गाइस मेरे को लग रहा है कि उसी सामने वाला घर हो सकता है, क्योंकि उसी पीछे वाले घर से हम लोग तो आए हैं, ओके। यहाँ पर भाई सबसे पहले मेरे को लग रहा है पानी से तैर के जाना है। बट गाइस मेरे को नहीं लगता कि चूहा जो है पानी पे तैरेगा। यहाँ पे भाई इस लकड़ी को कूदने की कोशिश करते हैं। अरे यार, मतलब गाइस पानी पे ये मरने वाला है, ठीक है, पानी पे मर जाता है इजीली, मतलब पानी पे जैसे ही जाएगा ये मर जाएगा, ठीक है। अब भाई कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं पत्थर देखा था, पत्थर से हम लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं फट से, उसी टाइप से जैसे उस टाइम पे जंप कर रहे थे, ओके। ये जंप, और भाई इजीली हम लोग जंप कर चुके हैं और हाँ यहाँ पहुँच गए हैं। अब चलते हैं भाई सामने वाले घर पे, जिसको हम लोग उतने टाइम से बोल रहे हैं कि ये घर पे शायद हो सकता है पब्लो। और भाई यहाँ पर एक मेंढक दिख रहा है मेरे को, इतना बड़ा सा भाई मेंढक भी मेरे से बड़ा, बताओ यार। वो पिछला वाला मेंढक हमारा बॉस था, वो भी बड़ा, इससे भी बात कर रहे हैं पब्लो, लाइक अ पब्लो टू यू, आई डोंट नो, ये भी बोल रहा है मैं नहीं जानता पब्लो को, मतलब कि गाइस ये भी पब्लो नहीं है, ओके। हमको रास्ता, अच्छा ये हमको सुरंग टाइप का दिख रहा है, अच्छा रास्ता टाइप का दिख रहा है भाई पूरे तरीके से, यहाँ रास्ता रास्ता जैसे दिख रहा है, हम लोग उसी से चलते जाते हैं, शायद मेरे को आगे जाके पब्लो मिल जाए। अब यहाँ पे भाई बहुत रिस्की है भाई, आराम से चलेंगे क्योंकि पानी पे जैसे ही गिरेगा ये मर जाएगा, ओके चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो पूरा रास्ता बना हुआ है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको चुपचाप धीरे धीरे जाना है, बट गाइस पानी पे नहीं गिरना है, क्या पता भाई दो चार बार पानी पे और गिरें तो फिर बैक हो जाए, डायरेक्ट हम लोग वापस से खेलना पड़े, तो हम लोग को ये सब नहीं करना है, हम लोग आराम से जाएंगे धीरे धीरे। अब जैसे ही रास्ता दिख रहा है आराम से हम लोग जाना है, और पब्लो को हम लोग को लेटर देना है। और यहाँ पे फिर से सुरंग आ गया है, एक सुरंग भाई यहाँ पर जंगल पे, ये सब क्या, ऐसा लग रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ है जैसे। अरे यार फिर से फिसल गया मैं भाई यार, अब भाई बहुत इजीली, मतलब बहुत हार्ड है भाई, यहाँ हल्का सा मैं फिसल जा रहा है भाई, बताओ चूहा हो के, जबकि चूहा, अरे इधर से नहीं जंप करना भाई, इधर से फिर से पानी पे गिर जाऊँगा, यहाँ से जंप कर सकते हैं, ओके। वो कोई वो है पता नहीं, मशीन का है, और मेरे को रास्ता दिख रहा है, और यहाँ पे फिर एक मेरे को कछुआ दिखा है, शायद ये पब्लो हो सकता है गाइस। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, बट अरे बाप रे ये मुँह भी खोलता है, ये तो ऐसे निकल जाएगा भाई, इस तो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट गाइस उसने बोला था कि कछुए टाइप का ही होगा पब्लो, हम लोग बात करके देखते हैं भाई, ये बोल सकता हूँ इतना बड़ा भाई कछुआ, क्या बताऊँ, देख सकते हो, हम इससे बात करते हैं, क्या पता ये पब्लो हो, क्योंकि उसने बोला था कि मेरी तरीके से ही दिखेगा, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। चलो अब हम इससे बात करते हैं, हाँ व्हाट इज़ दिस, ए स्मॉल क्रिएचर हैज़ एंटर्ड माय फील्ड ऑफ विजन, भाई ये सब मैं बात करूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, इजीली मैं बोल सकता हूँ कि यही पब्लो है, क्योंकि इस ऊपर रेड कलर में लिखा आ रहा है टाइपिंग के ऊपर कि पब्लो करके, ठीक है, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ यही पब्लो है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लेटर देते हैं और हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है, क्या पता यहाँ से जाने के बाद हमको जो है पैसे मिले बॉस से। ये सुरंग दिख रहा है फिर एक मेरे को, और यहाँ पर जैसे जैसे रास्ते दिख रहे हैं उसी टाइप से हम लोग चलते जाते हैं, क्या पता आगे और भी कुछ मिल जाए, और भी कोई देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारा अच्छा व्यूज़ भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जंप करते हैं, जंप पहुँच गए भाई, रास्ते आगे इधर राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं तो नहीं दिख रहा है, इधर से, हाँ इधर ही रास्ता है भाई, रास्ता पूरा बना हुआ है, आगे जाना होता है बस धीरे धीरे, ठीक है। और भाई कितना नज़ारा देखो, ऐसे लग रहा है गार्डन पे आ गया भाई, कितना अच्छा व्यू है, देखो पीछे से देखो कितना अच्छा व्यू है गाइस, ओ भाई लिटरली मज़ा आ गया। तो चलो आगे जाते हैं, क्या पता, अरे मशीन भी दिख रहा है हमको, इतना बड़ा मशीन, मशीन चलाने को मिल जाता तो क्या ही मज़ा आता, सच बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ से घुसेंगे, हमको जैसे अब इतना छोटा सा है इसका तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा ना गाइस, इतना छोटे छोटे जगह पर हम लोग घूम घूम के जाएंगे, ओके।
यहाँ से हम लोग को रास्ता इजीली दिख रहा है, रास्ते रास्ते से हम लोग आराम से जाते हैं धीरे धीरे, क्या पता फिर गिर जाए पानी पे। और यहाँ पे एक मशीन दिख रहा है हमको, और कुछ तो नहीं दिख रहा। अब वापस से मशरूम दिख रहा है, मशरूम का सीढ़ी बना हुआ है, अच्छी बात है मशरूम। अरे यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, क्या हम इसको प्रेस कर सकते हैं? चलो इस स्विच को ऑन करके देखते हैं, क्या पता इससे कुछ हो जाए, क्योंकि गाइस ये वायर जो है आगे वाली मशीन से जुड़ा हुआ है। ई टू इंटरेक्ट विद स्विचेस। ओके गाइस, यहाँ पर जैसे ही ऑन कर रहे हैं, मतलब ऑन हो जाएगा, ऑन करने के लिए हमको ई को प्रेस करना होगा। चलो हम लोग ई को प्रेस करते हैं, और ये जो मशीन है ये क्या होता है, क्या ऑन होता है ये देखते हैं, क्योंकि स्विच दिया हुआ है तो ऑन होगा ही। ये ग्रीन लाइट जल गया, ठीक है। अब गाइस ये जो है आवाज़ करने लगा है भाई, अब भाई ये घूमने भी लगा है, मतलब गाइस ये इससे क्या करना है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर दो मशीन दिख रहा है, उस साइड भी इस साइड भी, बस ये घूमने लगा है और ये ऐसा कि ऐसा ही है। ओके इधर से हम देख लेते हैं। ओके आई होप कि गाइस यहाँ पर जो सीढ़ी टाइप का दिख रहा है ना, जो घूम रहा है, उसके ऊपर मेरे को चढ़ना होगा। उसके बाद गाइस ऊपर और एक मेरे को उस टाइप का दिख रहा है, वहाँ पर मेरे को जाना होगा। ट्राई करते हैं ये कूदे, अब फटाफट लोग वहाँ पर आगे कूदते हैं। ओके ये देखो गाइस, मेरा दिमाग सही निकला यार, मैं थोड़ा मोटा दिमाग है मेरे में, ठीक है। ओके चलो यहाँ पर फाइनली ये भी क्रॉस कर चुके हैं। अब तो गाइस फिर से ऐसे ही रास्ते दिख रहे हैं, फटाफट आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे एक बटन और दिख रहा है, अब इसको प्रेस करने से क्या होगा भाई, मतलब मज़ा आ गया। अरे बाप रे, मतलब पूरा मशीन ही घूमने लगा है भाई, मतलब और क्या क्या होने वाला है इस गेम पे। मेरे को लगा कि भाई लेटर पहुँचा ये ख़त्म हो गया गेम, लेकिन नहीं, यहाँ पे मशीनें भी ऑन हो रही है, घूम रही है सब कुछ, ठीक है। इसलिए ये देखो मशरूम वाली सीढ़ी आ चुकी है, हम उतरते हैं। बट हाँ चलो फटाफट उतर जाए, फिर गिर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ये, लेकिन एक चीज़ और मेरे को एक चीज़ दिखा अभी, कि भाई मैं अभी फिर से वहीं आ चुका हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे मेरा वो जो पब्लो करके जो कछुआ था वो अभी भी वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं घूम फिर के वहीं फिर से वापस आ चुका हूँ। ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आ रहा है, ऑल राइट इट्स टाइम टू हेड बैक आई गाइस। ओके गाइस हमको बैक जाना ही है यार, मेरे को भी वही लग रहा था, बैक कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फाइनली यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये भी गैस कर रहा है, चूहा भी सोच रहा है कि बैक कैसे जाएं, बट गाइस सिर्फ ऑप्शन। ओके गाइस यहाँ पे ऑप्शन भी आ चुका है नो या यस का। ओके तो फटाफट हम लोग यस करते हैं, बैक करने के लिए बोल रहा है पोस्ट ऑफिस पर। हम लोग वापस से चलते हैं अपने बॉस के पास, अब बॉस से बात करते हैं। ओके गाइज़ यहाँ पे पहला लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं, अब गाइज़ हमको जो है पैसे चाहिए, क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं पब्लो को लेटर पहुँचा करके। ओके यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट माउस बैक सो सून। यस सर, हम बहुत जल्दी काम करते हैं, हर चीज़ को परफेक्टली तरीके से करते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं। आप बताओ आगे क्या करना है, नहीं तो मेरे पैसे दो फटाफट। अरे पैसे के जगह पे ये कुछ और एक लेटर दे दिया भाई, और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब करना क्या है, ऑब्जेक्टिव अपडेटेड, अब किसको देना है इस लेटर को ये बता दो। अरे बॉस महाराज, यहाँ पर मेंढक महाराज को पूछ रहा हूँ। अब डायरेक्ट भाई हम लोग यहाँ पे लिखा आ रहा है, द बॉस गेव मी अनदर लेटर बट ही सेड आई वुड हैव टू क्लाइंब प्रेटी हाई फॉर दिस वन। ओके दिस वन इज फॉर ए ग्रुप ऑफ रॉबिन्स लिविंग इन द क्लॉक टावर। ओके गाइज यहाँ पर रॉबिन्स का एक ग्रुप होगा, यानी कि भाई इस बार जैसे कछुआ था एक, उस तरीके से भाई अभी रॉबिन्स का एक ग्रुप होगा, यानी कि पूरा ग्रुप होगा, उसको जाकर हमको जो है इस लेटर को देना है। और गाइज यहाँ पर जो रॉबिन्स का ग्रुप है वो जो है क्लॉक टावर पे होंगे, और वो जो क्लॉक टावर होगा बहुत ज़्यादा ऊंचे जगह पे होगा। बट गाइज इस एपिसोड पे ये फर्स्ट एपिसोड था, और फर्स्ट एपिसोड पे इतना ही, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर सेकंड लेवल को भी हम लोग क्रॉस करें तो। ओके तो आज की वीडियो पर इतना ही, अगर आप लोग को पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तुरंत हम लोग 5K पे चलेंगे। ओके और हाँ गाइज आज के एपिसोड पे जो रिडीम कोड था, जिसने भी रिडीम कर लिया है वो #MariusGamer डालना मत भूलना। ओके ना, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गाइज राधे राधे।